हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अल्टीमेट हिंदी टिप्स। तो मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एचपी का प्रिंटर M128FN। ये है नेटवर्क रेडी प्रिंटर। इसमें है प्रिंटर, फैक्स, स्कैन और कॉपी। तो ये ऑटो ऑन ऑफ फंक्शन टेक्नोलॉजी इसमें, और इसकी मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। और इसमें जो कार्ट्रिज है वो 88A कार्ट्रिज, मतलब 88 कार्ट्रिज इसमें डलती है। और इसकी अभी अनबॉक्सिंग करूँगा। मैंने ये लोकल शॉप से परचेज किया है, अमेजोन से नहीं परचेज किया। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप इसका बॉक्स का देखिए, पैकिंग कितना अच्छी है। ओवरलुक मैं आपको एक बार दे देता हूँ, यहाँ पे साइड से और इधर से भी ये देखिए। तो यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चर डेट वगैरह, मेड बाय लिखा हुआ है सब कुछ, यहाँ पे प्राइस वगैरह बताया हुआ है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, इसका हम टेप वगैरह निकालते हैं सब। तो मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये ओपन हुआ, और इसमें क्या क्या है पहले वो बताता हूँ आपको। देखिए इसमें है पावर केबल, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखिए एचपी की पावर कोड, जो पावर कोड है उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। मैंने आप पहले पिछली वीडियो में स्कैनर का अनबॉक्सिंग किया था, उसका भी कोड बड़ा अच्छा था पावर केबल। तो इसको हम साइड में रखते हैं। और ये है अपना इसका टेलीफोन केबल, क्योंकि ये फैक्स रेडी है तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो इसको हम साइड में रखते हैं। आजकल फैक्स कोई यूज़ नहीं करता, फिर भी हम इसको साइड में रखते हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल सीरीज का प्रिंटर है। अब ये है यूएसबी, जो स्कैनर में बताया था वो 3.0 थी, ये 2.0 है, पर फिर भी ये हम इसको चेक करेंगे। और ये है इसका पेपर ट्रे, जहाँ पर पेपर वगैरह डलेगा, और बाकी सब इसको हम साइड में करते हैं दोनों चीज़ों को। अभी जो इसका फोम है इसको बाहर निकालते, देखिए जब बाहर निकला। अब ये है प्रिंटर, तो प्रिंटर कुछ ऐसे पड़ा है देखिए, और पैकिंग बड़ी अच्छी की हुई है। एचपी की पैकिंग बहुत अच्छी होती है, तो हम इसको सीधा ही पकड़ के इसको बाहर निकालेंगे ऐसे। तो आप देखिए, हाँ ऐसे प्रिंटर बाहर निकाले। और बॉक्स में क्या है, कुछ नहीं, खाली इसको साइड में करते हैं। और इसमें और मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इसका पेपर यूज़र मैनुअल गाइड्स। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो आप ये है इसकी सीडी, जिससे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा इसका। ये देखिए इस पर एचपी लिखा हुआ है, और इसका नेम, मॉडल वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये है यूज़र मैनुअल, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको पता चलेगा भी कैसे इसको ओपन करना है, क्या क्या सेटिंग वगैरह यहाँ पर करनी है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। अभी हम प्रिंटर को बाहर निकालते हैं, इस पॉलीथीन से इसको बाहर निकालते हैं प्रॉपर, और इस प्रिंटर को सीधा करते हैं। मैं आपको फिर एक बार ओवरलुक देता हूँ इसका बाहर निकालने के बाद। आप वीडियो बने रहें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन को मिलती रहेगी। चलिए ये अभी पॉलिथीन से बाहर हो गया। यहाँ पे इसका बैक एरिया है, तो यहाँ पे बैक में आपको दिखाता हूँ। ये है यूएसबी का एरिया, जहाँ पर प्रिंटर की यूएसबी केबल लगेगी, ये वाली जो मैंने बताया, जिससे कि प्रिंटर से डायरेक्ट अपना निकाल सकते हैं कंप्यूटर से। और ये नेटवर्क, अगर इसमें नेटवर्क भी अटैच करते हैं तो आप कहीं से भी नेटवर्क के अपने एरिया से प्रिंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। और ये है फैक्स केबल, जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाली फैक्स कोड है। और ये है पावर कोड। अभी फ्रंट से देखते हैं इसको। इसका फ्रंट का साइज जो है वो कुछ दिखने में इस तरह है। देखिए यहाँ पे एचपी की ब्रांडिंग की हुई है, और यहाँ पे इसका डिस्प्ले दिया, और डिस्प्ले काफ़ी बेहतर है। तो इसको मैं टेप वगैरह यहाँ पर निकाल देता हूँ डिस्प्ले की, और इसको मैं बाहर। देखिए ये है डिस्प्ले का ओवरलुक, यहाँ पे देखिए जैसे कि टेलीफोन में फंक्शन होता है वैसे इस प्रकार यहाँ फंक्शन दिया हुआ है। और ये है यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन, और ये प्रोफेशनल सीरीज़ है, इसमें 126 NW भी आता है, वो इतना प्रोफेशनल जितना ये हाई सीरीज प्रोसेस प्रोफेशनल। प्रिंटर की फ्रंट डिस्प्ले, तो यहाँ पे है एक पावर कोड, और ये है कॉपी बटन, ये है कैंसिल, ओके, बाकी सब इसको मैं ऑन करूँगा, फिर आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कैसे इसका ओवरलुक। तो ये है पेपर ट्रे, यहाँ पे देखिए ये A4 साइज़, A3 का साइज़ यहाँ पे पूरा प्रॉपर डलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सभी को यहाँ से निकाल देता हूँ टेप वगैरह, ये हो गया, बाकी ये टेप है, तो इसको हम ऐसे उठा लेते हैं अभी। बाकी ये देखिए यहाँ पे सब कुछ बता रहा हूँ आपका, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो आपको एक एक स्टेप यहाँ पर बताया हुआ कैसे इसको ओपन करना है। तो इसको ये टेप भी यहाँ पर निकाल लेते हैं, सभी टेप निकालने के बाद अभी इसको हम खोल जाते हैं। ये है इसका कार्टर सेक्शन, तो पहले ये निकालेंगे इसको बाहर, ये जो फॉर्म है इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके बाद इस कार्टर को बाहर निकालेंगे, ये देखिए ये इसका कार्टर है, जेन्युइन कार्टर है एचपी का, इसको साइड में रखते हैं। अभी इसको बाहर निकालते हैं, अभी बिल्कुल ये क्लीन हो चुका है। तो अभी हम कार्टरेज को, ये वाली जो कार्टरेज है इसका जो लगा हुआ है यहाँ पर सेफ्टी, सभी यहाँ पर निकालते हैं सेफ्टी वगैरह।
उसके बाद मैं एक बार इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ कैसे है इसकी स्पीड, क्या है सिस्टम इसका। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो आप यहाँ पे वीडियो में बने रहें। तो मैं इसको अभी काटर को यहाँ पे देखिए, मैंने सेफ्टी लॉक यहाँ पे सभी निकाल दिए, ये लगा कार्ट्रिज और इसको मैंने फिर से बंद कर दिया और इसको ही बंद कर दिया। तो ये इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ये है ADF। अगर आपके पेपर को आप स्कैन करना चाहते हैं लीगल पेपर को, तो यहाँ से आप इसको बिल्कुल आसानी से स्कैन कर सकते हो और फोटो कापी भी यहाँ पे कर सकते हो। ये एक प्रोफेशनल सीरीज़ का प्रिंटर है, इसलिए मैंने ये बाय किया है। लगभग ये 22 से 23 हज़ार के करीब ये प्रिंटर आपको पड़ेगा और ये प्रिंटर बहुत ही अच्छा प्रिंटर है। तो मैं आपके इसके एक बार इसको ऑन करके बताता हूँ कैसा है ये इसका स्पीड और प्रिंट कैसे निकलता है। तो वीडियो में बने रहें। मैंने प्रिंटर का प्रॉपर रेडी कर दिया, इसमें कार्ट्रिज वगैरह डाल दिए। तो पहले सबसे पहले हम ADF चेक करेंगे। तो ADF के लिए मैंने यहाँ पे पेपर डाल दिया, देखिए सीधा। और यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा होगा जब पेपर डालोगे तो यहाँ पे लिखा होगा डॉक्यूमेंटेड लोडेड, तभी ये वर्क करेगा। तो अभी यहाँ पे हम सीधा प्रेस करते हैं कॉपी बटन, तो चेक करते हैं, देखते हैं। ये देखिए अपने आप ये चला गया पेपर यहाँ पे। और अभी ये इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे लीगल पेपर स्कैन कर सकते हो, उसका फोटो कॉपी निकाल सकते हो और यहाँ से नीचे से एक प्रिंट निकलेगा जो ऊपर उसने स्कैन किया, वही हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे निकल चुका है ऐसे। तो ये देखिए ये प्रिंट सेम इसी प्रकार से ये आया प्रिंट यहाँ पे भी, तो इसी प्रकार से फ़ोटो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इस प्रिंटर का एक छोटा सा अनबॉक्सिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और इसको लाइक भी कर दे वीडियो को, तो अगली वीडियो के लिए वेट करें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।